चेहरा दिखा चेक करता लगा, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सर, इसको सर ऑफ सेक्टिक पब्लिक सर्विस ऑफ ड्यूटी अरेस्टेड, यू विल ऑल्सो बी अरेस्टेड लॉन्ग विद हिम, नो व्हाट इज योर नेम, इसको अरेस्ट करिए, नाम बोलो नाम बोलिए, पास नहीं है। हाय नमस्कार, नॉर्मली मैं बाहर के मुद्दों पर वीडियो बनाता नहीं हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादातर बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में ज़रूर अपने ख्यालात शेयर करूँ, एक्सप्रेस करूँ। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें त्रिपुरा के एक DM साहब हैं, शैलेश कुमार यादव, सुना उम्र में कम है, 35 साल के छोटे हैं, काफ़ी उम्र कोई भी हो, वो एक शादी में घुस के और कानून का पालन करने के लिए लोगों को कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं जानता कि शादी के जो गेस्ट्स हैं उन्होंने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी प्रॉपरली। वो कहते हैं 11:30 बजे तक परमिशन ली थी, DM साहब कहते हैं कि 10 बजे तक। चलो ये लीगल मामला है और ये मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूँ, इस पर कहना और कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन DM साहब ये क्या तरीका है, हम किस देश में रह रहे हैं भाई? इस तरीके से हम अपने देशवासियों से बात कैसे कर सकते हैं भाई? अगर वो गलती पे हैं तो आप उन्हें या तो बात कहने का मौका दीजिए, कोई कुछ कह रहा है, लेडी भी कह रही तो अरे सर ये आप ही कर रहे हैं, अपनी ताकत पे इतना घमंड, अरे घमंड तो प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं है, वो भी लोगों से अगर बात करते हैं तो तमीज से बात करते हैं। आप DM हो के, आप सिर्फ DM है भाई साहब, आप कोई हमारे राजा नहीं है इस देश के कि आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, वो रजवाड़े गए, हाउ डेयर यू स्पीक टू पीपल लाइक दिस, और वो भी खासकर आज के दौर में जब सारी दुनिया परेशान है, खासतौर से भारत, हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची हुई है, परेशान है लोग, दुखी हैं, जो पैसे वाले हैं वो भी ऐसा नहीं कि वो खुश हैं, घर बैठ के कौन खुश होगा, सब अपने काम में लगना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, फिर आसपास लोगों की मृत्यु देख के वैसे भी दिल दहल जाता लोगों का, ऐसे में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए यार, कमाल है, हाथ थाम के चलो, कोई गलती कर रहा है तो समझाओ बुझाओ, आपको जो भी करना है आप कानूनी तरीके से कीजिए, आप ब्राइड ग्रूम का पीछे पकड़ के आप उसको धक्का दे रहे, हाउ डेयर यू टच हिम, और तो और आप एक पुलिस वाले को धक्का दे रहे हैं, ये कौन सी बदतमीजी है, इतनी हाई हैंडेडनेस, क्या इतनी हाई हैंडेड आप? मेरे हिसाब से ये मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको कि आपको सजा मिलनी चाहिए या आपको आपकी जिस जगह पे आप डिजर्व नहीं करते आप वहां बैठे हुए हैं, आपको वहां से हटाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपके लिए ये गलत कामनाएं या आपको ये गलत आपके लिए बद्दुआ नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपका भी परिवार है और गलती इंसान से हो जाती हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि शादी एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन होता है, लड़के के लिए, लड़की के लिए, उनके माँ बापों के लिए, उनके परिवारों के लिए, आपने उन लोगों की पूरी इतने अच्छे खूबसूरत मोमेंट में आपने इतना बड़ा दाग लगा दिया, ये ऐसी शादी कर दिया आपने जो वो जिंदगी भर याद करने की भी कोशिश नहीं करेंगे, वो भूलना चाहेंगे अपनी शादी को, कि उनकी शादी में इतना गंदा एक गुंडे की तरीके से एक एजुकेटेड आदमी आया, मुझे लगा जैसे कोई डकैती पड़ जाती किसी के घर में, आपका बात करने का टोन जो था वो किसी डकैत का था, अरे सर निकलो, हाउ डेयर यू डू दिस, आपकी संवेदना कहां गई, कल आपके बेटे की आपकी बेटी की शादी हो और आपसे कुछ गलती हो भी गई हो, कोई आके आपके इतने स्पेशल मोमेंट को, ओकेशन को इतना खराब करके चला जाए, आपको कैसे लगेगा?
यू शुड बी रियली रियली अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। कानून के रक्षक आप हैं, 100% होंगे। ये मैं नहीं जानता कि आपने परमिशन दी है कि नहीं, बिकॉज मैंने जो पेपर्स देखे उसमें लग रहा है कि आपके ही ऑफिस से परमिशन आई है कि इतना टाइम तक है। चलो वो आप जानते हैं, बट दिस इज नॉट द वे शैलेश, दिस इज नॉट द वे, यू कैन नॉट डू दिस। अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, लोगों को खुशी दीजिए। आज के जमाने में बहुत दुखी हैं लोग, बहुत परेशान हैं, एक दूसरे का हाथ थामिए। कौन कब गिर जाए कुछ नहीं पता। बड़ी दुख की बात है कि आपने इस ऐसे किया है। और मैं आप लोगों सबसे प्रार्थना करता हूं, भैया बहुत मुश्किल टाइम चल रहा सब लोगों का, खुशियां बांटिए, लोगों को हेल्प कीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।